नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सोमवार सुबह दिल्ली जाने के लिए आई एक महिला यात्री के सामान से मानव खोपड़ी निकलने से हड़कंप मच गया। महिला का कहना था कि वह उसे विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जा रही है, लेकिन नियमानुसार उसे अनुमति नहीं दी गई। बाद में महिला ने अपने परिचित को बुलाकर मानव खोपड़ी सौंप दी और शाम की उड़ान से रवाना हो गई। प्रबंधक के अनुसार महिला यात्री का नाम योग माता सचदेवा। वह विस्तारा की उड़ान से दिल्ली जाने के लिए आई थी। उसके मेन लगेज की स्कैनिंग के दौरान यह मानव खोपड़ी मिली। बाद एयरलाइंस ने CISF को सूचना दी। पूछने पर महिला संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। बाद में एरोड्रम थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। महिला का कहना था कि वह विसर्जन के लिए इसे ले जा रही है। एयरलाइंस ने इसे साथ में ले जाने की अनुमति नहीं, जिसके बाद महिला ने अपने परिचित को एयरपोर्ट पर बुलाया और उसे यह खोपड़ी सौंपी। इधर से पूरे घटनाक्रम में महिला की उड़ान छूट गई। बाद में एयरलाइंस ने उसे शाम की उड़ान में जगह दी, जिससे महिला दिल्ली के लिए रवाना हुई। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।